हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी फ़ोन है तो रेडमी फ़ोन की डायल पैड ऑप्शन पर जाकर जो हमारे फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर्स है तो कॉन्टैक्ट नंबर्स को हम कैसे गूगल अकाउंट पे सेव कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में स्क्रॉल करते शो हो रहे हैं, तो इसमें से आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते जो हमारे फ़ोन के वाले आइकन्स हैं इस तरीके से अपन आते हैं, इसमें से आपको क्लिक कर देना है सेटिंग्स पे, नहीं सॉरी फ़ोन आइकन्स पे। तो क्लिक करते जो हमारा फ़ोन आइकन्स है इस तरीके से ओपन हो गया। तो जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है उसका हम कैसे सेव कर सकते हैं अपने गूगल अकाउंट पे, तो पहले आपको डायल पैड ओपन करना है। अब जिस भी नंबर को सेव करना चाहते हैं उसको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद हमारे पास नंबर क्लिक हो गया, फिर आपको क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना है। तो जो हमारी गूगल अकाउंट है यहाँ पर शो हो रहा है, हम इस पर क्लिक करते हैं जो हमारा इसमें पहले से ही इसमें मतलब ऐड है। फिर आपको यहाँ से जो भी नाम लिखना है, जैसे हमने ए नाम लिख दिया और इसका नाम है हम इसका बी कर देते हैं, ए और बी। फिर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हमारे गूगल अकाउंट पे सेव हो जाएगा। इससे हम उसको चेक कर सकते हैं, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है साइड में शो हो जाता है, इसे यहाँ पर हमारे सबसे टॉप पे शो हो रहा है। तो इस पर अपने फ़ोन के डायल प्रोडक्शन में आकर अपने कॉन्टैक्ट नंबर को गूगल अकाउंट पर हम सेव कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।